गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कॉपी निकालिए, लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट बताइए। अकाउंटिंग फॉर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट असेट, तो वो पूरा अपना एंट्री वेंट्री, आप लोग एंट्री बोलता हूँ मतलब नोट शूट्स आप लिख लिए थे, आपने लिखा कि असेट जो है हम लोग पहली बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिला के लिखेंगे, लिखा, और इसमें ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, खाली ट्रेड डेट अकाउंटिंग होने से आप असेट को ट्रेड डेट के दिन रिकॉर्ड करेंगे, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग होने से सेटलमेंट डेट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अमाउंट दोनों ही सूरत में चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू मूवमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने जितना रुपया पे किया टुगेदर विथ योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वही आपका कॉस्ट ऑफ द असेट बनेगा जिसको आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बोलोगे। क्या ये बात हम लिखाएं कि ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट में इस रिकॉर्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता? गुड। उसके बाद हमने ये लिखाया कि इसके तुरंत बाद आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लीजिएगा, पूरा इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करके, वो ट्रायल एंड एरर करके निकालना पड़ेगा, आपके पास उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल के बैठे हैं तब तो आप इनफ्लो मार दीजिए, आउटफ्लो का डेजिग्नेटेड डेट मार दीजिए, तो आपको तुरंत IRR मिल जाएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको जो ट्रायल एंड एरर मैंने सिखाया था इंटरपोलेशन करके, उसके हिसाब से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, दैट इज योर सेकेंड स्टेप। उसके बाद आपको अमोर्टाइजेशन का टेबल बनाना पड़ेगा, इन ऑल दी केसेस वेयर योर फाइनेंशियल असेट इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, आपको उसका टेबल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उस टेबल से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, आप लेजर जर्नल जो बनाना चाहें आप बना सकते। तो ये मैंने सम भी करके दिया था आपको, एक लास्ट में जाते जाते एक एग्जाम्पल भी करके दिए थे। तो ठीक है, अब उसके आगे का पैराग्राफ डिस्कस करते हैं, और आज बहुत सारे सम्स बनाएंगे, नहीं भी तो कम से कम 15 सम्स बनाएंगे आज, और वो छोटे छोटे सम्स रहेंगे, क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़े बड़े सम्स में जाएंगे। कॉपी में पैराग्राफ नंबर बताओ, 10 या 9? 10 लिखो। डेजिग्नेटेड FVTPL assets, ये वो इरिवोकेबल election नहीं है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इरिवोकेबल election कौन सा हुआ कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को, जहां मैं पैसा इक्विटी शेयर में लगा रहा हूं, जो मैं बोला बाई डिफॉल्ट वो FVTPL बन जाता है, पर वहां अगर एंटिटी एक इरिवोकेबल election करे एट द इंसेप्शन तो वो उसी असेट को FVT OCI में रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूं, उस इरिवोकेबल इलेक्शन को लेके, अगर एंटिटी ने इरिवोकेबल इलेक्शन, ये बात मैंने बोला नहीं अभी तक, हाँ नया बोलूंगा, बात पुराना है, अगर एंटिटी ने इरिवोकेबल इलेक्शन कर लिया कि मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को FVT OCI में मेजर करूंगा, तो उनका जो भी प्रॉफिट लॉस आता जाएगा, खाली इस केस में, इरिवोकेबल इलेक्शन के केस में एक नया बात बोल रहा हूं, उनका जो भी प्रॉफिट लॉस आता जाएगा OCI में जाता जाएगा, गेन हुआ लॉस हुआ OCI डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। जब वो वाली असेट बिक भी जाएगी ना, बिक जाएगी, उस OCI को PL में मत भेजना, रिटेन्ड अर्निंग में डायरेक्ट भेज देना, बिकॉज ये आइटम PL में रिक्लासीफाई नहीं होता है। कौन सा वाला? इरिवोकेबल इलेक्शन वाला। बाकी कोई भी, क्योंकि इरिवोकेबल इलेक्शन मींस हमको PL में भेजना ही नहीं, हमको OCI में रखना है, लेकिन बाकी सारे केसेस में अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट FVT OCI है,
आप प्रॉफिट लॉस को ओसीआई में भेज रहे हो, उसके बाद जब आप बेचते हो वो गेन जब रियलाइज हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना ओसीआई विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल रिक्लासिफिकेशन, तो बाकी सारे एफवीटी ओसीआई में ये होता है, लेकिन सिर्फ इरिवोकेबल इलेक्शन वाला जो एफवीटी ओसीआई है ना, उसमें माल बेचने के बाद भी ओसीआई पीएल में हिट नहीं करेगा, सीधे रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। पीएल में हिट करने से तो करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस बढ़ के आएगा ना, वो नहीं लाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और मैंने ओसीआई में इरिवोकेबल इलेक्शन कर लिया, 4 साल में बढ़ाते बढ़ाते मेरा प्रॉफिट 500 करोड़ का आ गया, 1500 करोड़, सारा प्रॉफिट ओसीआई में, अब मैं उसको बेच दिया, तो दैट ओसीआई शुड गो टू पी एंड एल ना लॉजिकली, बट बिकॉज मेरा इरिवोकेबल इलेक्शन वाला एफवीटी ओसीआई है, वो पीएल में रिक्लासीफाई नहीं होगा, बैलेंस शीट में सीधे रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा, माने ओसीआई विल बी डायरेक्टली शिफ्टेड टू रिटेन्ड अर्निंग, नॉट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज इरिवोकेबल इलेक्शन ओसीआई का अगर रहता है तो इवन बेचने के बाद भी ओसीआई को पीएल में शिफ्ट नहीं करेंगे। क्लियर? बाकी जितने भी एफवीटी ओसीआई के आइटम रहेंगे बेच देने के बाद, बोलो, क्लासिफाई दैट गेन विल बी रिक्लासिफाइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये याद रखिएगा, ये पहले मैंने आपको बताया नहीं था, और नहीं बताया होगा तो तेरे दिमाग में गलतफहमी सेट हो गया होगा कि हर ओसीआई बाद में पीएल में रिक्लासिफाई हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर दिया मैंने और यही सच है। क्लियर? अब मैं इसमें आ जाता हूं और वो वाला बात वापस से लिखा भी दूंगा 11 नंबर पैरा करके। ओके, लिखो, वेरी इंटरेस्टिंग ये वाला, ये ना एक बार मैं बोला था आपको पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, अभी मैं इसको पूरा क्लियर करके अच्छे से समझाता हूं। लिखो, इफ देयर इज ए फिनेंशियल असेट और ए ग्रुप ऑफ फिनेंशियल असेट्स which would normally be recorded as FVT OCI। अच्छा, मैं जैसे FVT OCI बोलता हूं, बुक सब में FV OCI लिखा हुआ मिलेगा, नो मारा मारी, और FVTPL में FVTPL लिखा हुआ मिलता है, तो थ्रू एक जगह है एक जगह नहीं है, आप लड़ाई मत करना उससे। हाँ, क्या लिखा बेटा? विच वुड नॉर्मली बी रिकॉर्डेड एज FVT OCI ऑब्लिक अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कॉमा द मैनेजमेंट में designate that asset oblique group of assets as FVTPL if it reduces the recognition and measurement inconsistencies this is often called accounting mismatch इसमें नहीं है मेरे
पासेस दिखाने के लिए, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा. दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड अकाउंटिंग मिसमैच, फुल स्टॉप. दिस हैपन्स व्हेन देयर आर lots of liability, there are some liabilities and related assets bracket mein likho created to fund the liabilities. अब सुनिए प्रॉब्लम क्या है. इतना से हो जाएगा, अगर और लाइन ऐड करना होगा तो हम करेंगे. पहले मुझे समझाने दो. मान लीजिए राइट हैंड साइड मेरा असेट है, फाइनेंशियल असेट, ये असेट है, ये लायबिलिटीज हैं, ठीक है. अब ये लायबिलिटीज 4000 करोड़ का लायबिलिटी है. ये जो असेट मैंने क्रिएट किया है ना, इस लायबिलिटी को फंड करने के लिए किया है कि ये जरूरत पड़ेगा ना तो लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम इस असेट को सेल ऑफ करके इस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे. किचु ना सब भालो ठीक है ना, ओटा बोले बोले देखो ठीक है. अब क्या है कि ये जो लायबिलिटी है ना मेरा लेफ्ट हैंड, ये मान लीजिए FVTPL पे मेजर हो रहा है. एक्चुअली लायबिलिटी के दो ही तरीके, या तो FVTPL या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. लायबिलिटी में ना FVT OCI नहीं है, अभी पढ़ाएंगे बस, उसके बाद भयंकर सम्स करेंगे हम लोग ब्रेक के बाद, या समझ लो जब भी टाइम मिले. तो ये लायबिलिटी मेरा FVTPL लायबिलिटी के रूप में मेजर हो रहा है. अब साला जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है मैं PL में भेज रहा हूं ना PL में. FVTPL में तो लॉस प्रॉफिट PL में जाता है. और ये असेट ये इसी लायबिलिटी के लिए बनाया गया. आप देखते रहिएगा बेटा, तुरंत समझ में आ जाएगा. ये असेट इसी लायबिलिटी के लिए बनाया गया. अब इस असेट के प्रॉफिट लॉस को मैं OCI में भेज रहा हूं, मान लो से ऐसे वाई से OCI में भेज रहा हूं, से अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, कहीं फेयर वैल्यू मेजरमेंट करके PL आ ही नहीं रहा है से. तो अगर मेरे असेट्स ऐसे हैं जिसको मैं FVT OCI और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के लायक समझ रहा हूं बेस्ड ऑन इंडेस 109, बट मेरे को मालूम है ये असेट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ माय असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एंड दिस असेट विल बी हैज बीन क्रिएटेड टू फंड दीज लायबिलिटीज एंड द लायबिलिटीज आर मेजर्ड यूजिंग FVTPL. तो देर इज ए बिग 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 मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी ना साला. इसका लॉस तो PL में जा रहा है, उसका प्रॉफिट OCI में जा रहा है. इसका लॉस PL में जा रहा है, इसका प्रॉफिट OCI में जा रहा है, या इसका लॉस PL में जा रहा है, इसके प्रॉफिट को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की वजह से. तो ये तो इनकंसिस्टेंसी हुआ ना जी. दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी. दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग मिसमैच. दिस अराइजेज इन द केसेस ऑफ ALM असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट. असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट वाला वर्ड SFM के स्टूडेंट FM की क्लास में सीखेंगे अपना वक्त जब आएगा. तो ये सिंपल एग्जांपल है ALM. जैसे नॉर्मल ALM आपको बताता हूं, मेरे बच्चे को मान लीजिए बाहर भेजना है पढ़ने के लिए 22 साल की उम्र में, अभी उसकी उम्र 6 साल है. तो हम एक मेरे को लायबिलिटी मालूम है 22 साल के बाद मेरे को 50 लाख रुपया चाहिए. तो हम ऐसा असेट का कंस्ट्रक्शन करेंगे कि 22 साल के बाद वो हमको 50 लाख रुपया दे दे. सो दैट इज कॉल्ड असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट. जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना टीचर लोग ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, उन सब में ये सब चीजें बताएंगे, देखिएगा अच्छे से, या इवन पोर्टफोलियो में भी बताएंगे ये सब चीजें SFM में. बट मैंने समझा दिया ना मुझे जो बोलना था. तो इस तरह की इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस या एलिमिनेट करने के लिए मुझे अगर मेरी किसी असेट को FVTPL बनाना पड़े, आई एम अलाउड टू डू दैट. एंड इन दोज केसेस द असेट्स विल बी कॉल्ड डेजिग्नेटेड FVTPL असेट्स. दैट्स इट. Not a big deal, but it's a deal. Clear? क्या आपको लगता है मैं और लाइन लिखाऊं, या आपको लगता है कि ये कंप्लीट है? एक बार पूरा पैरा को रीडिंग करो. एक तो लाइन लिखाऊं ना, वो वाला जो लास्ट में बोले उसको लिखाना चाहिए ना.
हाँ भाई, अरे बाबा वो लास्ट में एग्जाम्पल ही दिए हैं, वो वाला वो एग्जाम्पल ही लाइन के हिसाब से लिखाया जाएगा। आप एक बार लाउडली पढ़िए ना, मैं समझू जरा मैं कहां तक लिखा दिया था। इफ देर इज ए फिनेंशियल असेट और अ ग्रुप ऑफ फिनेंशियल असेट्स विच वुड नॉर्मली बी रिकॉर्डेड एज एफबीटी ओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कॉमा द मैनेजमेंट मे डेजिग्नेट दोज फिनेंशियल असेट और ग्रुप ऑफ असेट्स एज एफबीटी पीएल इफ इट रिड्यूसेस द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी। दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड अकाउंटिंग मिसमैच। दिस हैपन्स व्हेन देर आर लॉट्स ऑफ लायबिलिटीज, सम लायबिलिटीज एंड रिलेटेड असेट्स विच आर क्रिएटेड टू फंड दोज लायबिलिटीज एंड दो चार तो कंपनी का बैलेंस शीट देखो ना नया, एंड दोज लायबिलिटीज आर मेजर्ड एट एफईटीपीएल बट असेट्स आर मेजर्ड एट एफईटीओसीआई। सब से है हाँ, ये एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। दिस हैपन्स माने ये एग्जाम्पल है एट एफईटी ओसीआई। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? लायबिलिटी का लॉस प्रॉफिट जा रहा है पीएल में, असेट का रिलेटेड लॉस प्रॉफिट है, रिलेटेड ही है दोनों, उसका लॉस प्रॉफिट मैं भेज रहा हूं ओसीआई में, तो इनकंसिस्टेंसी तो पैदा हो गई ना। लिखो, सो द लायबिलिटीज लॉस प्रॉफिट माने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अराइजिंग इन द रीमेजरमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कौन इतना लिखे रे बाबा? सो लायबिलिटीज लॉस प्रॉफिट इज गोइंग टू पी एंड एल एंड असेट्स लॉस प्रॉफिट इज गोइंग टू ओसीआई। एंड हेंस देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी। दिखा दिखा देखते हैं ना। एंड हेंस देयर इज एन एटा चल बिना कोई दूसरा काम नहीं करते थे। हेंस देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी फुल स्टॉप। टू रिमूव दिस बोलिए क्या किया जा सकता है? डेजिग्नेट ही कर सकते हैं ना हम, भाई तू उधर चला जा यार, तू उस घर का बंदा है, नहीं समझे? ठीक है, होता नहीं किसी का बिहेवियर उस तरह का रहता है कि भाई तू वहीं जा, तू वहीं पे फिट है, तो उस तरह से हम किसी असेट को शिफ्ट कर सकते हैं और ये अलाउड है हमें। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोई डरावना नहीं हो जाएगा रे, वही है। पर अचानक कहीं पे वर्ड लिख दिया डिजिग्नेटेड एफईटीपीएल असेट, तुम बोलोगे साला ये क्या चीज हो गया, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। कुछ नया अकाउंटिंग नहीं पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग नॉर्मल है, पर देयर मे बी सम असेट्स विच नॉर्मली आर एफईटी ओसीआई, वी कैन डेजिग्नेट देम एज एफईटीपीएल इफ इट रिड्यूसेस द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी या इफ इट रिड्यूसेस द अकाउंटिंग मिसमैच। देख बात देखते हैं, जरूरत नहीं है, छोड़ दो, कल हम ले आएंगे। ठीक है, स्टोरी ओवर। अब एक और पॉइंट लिखो, वो वाला जो इरिवोकेबल इलेक्शन वाला जो एफवीटी ओसीआई है, लिखो पैराग्राफ नंबर 12, 11। लिखो कि स्पेशल पॉइंट ऑन एफवीटी ओसीआई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लिखिए इफ एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज
सर बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एफईटीपीएल, लेकिन क्या हम इसको एफईटी ओसीआई में डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड मैं इरिवोकेबल इलेक्शन करूं, याद है ना? तो मैं उसी का लेक्चर दे रहा हूं, उसी का आगे का लेक्चर। लिखो क्या लिखा, इज मेजर्ड एट एफवीटी ओसीआई वी ट्रांसफर द गेन्स एंड लॉसेस on remeasurement of fair value to OCI. क्या लिखा बेटा, to OCI. फुल स्टॉप। इवन एट द टाइम ऑफ सेल, इवन एट द टाइम ऑफ सेल द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ओसीआई ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स is not taken to, बोलो, पी एंड एल, rather directly transferred to retained earnings. और वैसे मैंने एफईटी ओसीआई को पीएल में भेजने वाला, माने जो normally एक्यूमुलेटेड ओसीआई को जो पीएल में भेजते हैं, वो लाइन कहां लिखाए हैं हमको पढ़ के सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं कि हम कहीं लिखाए या नहीं लिखाए, खाली बोल के तो नहीं छोड़ दिए ना, हम लिखाते तो हैं, जनरली छोड़ते नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे भी कुछ भी चीज नया देखते हो तो आप लोग खुद ही बोलते हो कि नहीं सर लिखवा लें, जैसे इसका एग्जाम्पल लिखवा लिए, दिस वेरी नाइस, ये कर लिया करो, हर एग्जाम्पल को मैं नहीं लिखा खुद लिख लिया करो, नहीं लिख पाए मेरे को बोल दिया करो, ये जरूरी है, कब तुम वापस रिवाइज करोगे, कितनी निटी ग्रिटी छोटी छोटी बातें हैं, कहां से बेचारे बच्चों को याद रहेंगी, बोल दिया करो मेरे को। गुड, ये कहां पे लिखाया था, पैराग्राफ नंबर, पैराग्राफ नंबर 8 पॉइंट नंबर सी, सी 3 जो भी बोल दो ठीक है, लेकिन आज क्या नया ऐड हुआ लाइफ में, अगर वो एफवीटी ओसीआई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला है, वो इरिवोकेबल से आएगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला तो बाय डिफॉल्ट तो पीएल में जाता है ना बेटा, तो वो तो इरिवोकेबल इलेक्शन से ही आएगा, ठीक है, और कोई चांस ही नहीं उसके बेचारे का आने का, उसके गेन लॉस को, एक्यूमुलेटेड गेन लॉस को इवन माल बेचने के बाद भी पीएल में शिफ्ट नहीं करना, सीधे रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट कर देने का है, ये सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए है, बाकी तो सारा ओसीआई पीएल में जाएगा ही, तो अपन नहीं बोलते थे क्या आइटम्स रिक्लासिफाइड आइटम्स नॉट रिक्लासिफाइड, तो नॉर्मली दीज आइटम्स आर रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल, बट इफ दिस इज पर्टेनिंग टू एफवीटी ओसीआई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विच नेचुरली कम्स बिकॉज ऑफ इरिवोकेबल इलेक्शन दैट इज डायरेक्टली टेकन टू रिटेन्ड अर्निंग नॉट टू पी एंड एल, ड्रॉप कर दू बेटा, नेक्स्ट लाइन, पैराग्राफ नंबर 12 फिनेंशियल लायबिलिटी पढ़ रहे हैं, फिनेंशियल असेट का एक भी सम कॉपी पे सॉल्व नहीं किए हैं, सिर्फ चार एग्जाम्पल आपको पढ़ के आने बोले हैं, फिनेंशियल लायबिलिटी डिस्कस खत्म होगा, उसके बाद इक्विटी का डिस्कशन खत्म होगा, उसके बाद सारे सम्स बनेंगे इंक्लूडिंग बिजनेस मॉडल टेस्ट, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, याद है ना, ये सब भी पढ़े थे, इन सब पे और इन सब चीजों पे
माने साइजेबल चीज तुम तभी पढ़े हो उसके बाद तुम सम बनाओगे, एक जमा हो गया चीजें जिस पे सम बन सकता है फिर हम सम बनाएंगे, ठीक है। फिनेंशियल असेट का डेफिनेशन को पहले याद करते हुए फिर फिनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन सीखेंगे। 90 आउट ऑफ 100 थिंग्स आर सेम, द कॉन्सेप्ट इज लायबिलिटी। जो असेट की कहानी है ना डेफिनेशन की, वही लायबिलिटी की कहानी है। तो आप मुझे असेट का डेफिनेशन बिना पीछे देखे याद करके बोलो। फिनेंशियल असेट कंप्राइजेस कैश, यहां हो नहीं सकता वो पॉइंट, कैसे होगा, नहीं होगा ना। आगे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से स्टार्ट करो, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। फिनेंशियल असेट का बात बोल रहे हैं, इट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश ऑब्लिक एफ ए, याद है। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की जगह मैं बोल दूंगा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, रिसीव की जगह मैं बोल दूंगा पे या गिव, कैश ऑब्लिक फिनेंशियल असेट, ठीक है। सी, ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, एसेट का वाला बोल रहा हूं, ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज एफ ए ऑब्लिक एफ एल अंडर फेवरेबल टर्म्स, यहां पे बोल दूंगा अंडर अनफेवरेबल टर्म्स। और वो वाला जो डेफिनेशन क्या नाम, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल्ड अदर देन बाय फिक्स्ड नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, वो सेम टू सेम यहां पे भी रहेगा। बस असेट के केस में आपको ओन इक्विटी शेयर मिलने वाला रहता है, लायबिलिटी के केस में आप ओन इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, लायबिलिटी में तो सलटेगा जब देंगे ना पैसा, असेट सलटता है जब पैसा लेते हैं, लायबिलिटी सलटता है जब पैसा देते हैं, तो देते लेते वाला फर्क रहेगा। बाकी इसमें भी अगर फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास होता है तो वो इक्विटी ट्रांजैक्शन कहलाएगा, और अगर वो फेल होता है तो लायबिलिटी कहलाएगा। ये पूरा डेफिनेशन फिनेंशियल असेट के ही डेफिनेशन को कॉपी कर दिया गया है। लिखो, अ फिनेंशियल लायबिलिटी कंप्राइजेस द फॉलोइंग, ए में लिखो अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश जहां भी ना टू पे कैश होता है वहां ऑब्लिक एफ ए लिख दिया करो, वो कॉमन है उसके साथ। वैसे टू पे कैश लिख के छोड़ सकते हैं, पर कैश कोई जरूरी ना, हमेशा कैश में पेमेंट हो, कुछ काइंड में भी तो हो सकता है ना, तो बोल करके वो एफ ए होना चाहिए। बी, अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज another FA oblique FL under unfavorable terms, sir unfavorable terms को खाली explain करना है। हाँ, अगर मेरे balance sheet में एक financial liability है और इसका सेटलमेंट होना है तो अनफेवरेबल टर्म्स का मतलब क्या होता है, अगर इसका सेटलमेंट किसी एफए को एक्सचेंज करके होगा तो मेरे पास वो एफए जो है वो गिरेगा या बढ़ेगा, गिरेगा। और अगर मेरा एफएल से एक्सचेंज होता है, एफएल अगेंस्ट एफएल, तो एफएल बढ़ेगा। भाई ये एफएल जाएगा, नया एफएल घुसेगा,
या फिर ये एफएल जाएगा तो कोई एफए गिरेगा, दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल टर्म्स. अनफेवरेबल टर्म्स डजंट मीन कि ट्रांजैक्शन में लॉस होगा, नो. अनफेवरेबल टर्म्स मीन्स असेट गिरेगा या फिर लायबिलिटी बढ़ेगा, दैट इज अनफेवरेबल. व्हाई डू वी से कि लायबिलिटी अगर है तो वो मेरे लिए अनफेवरेबल चीज है, असेट अगर है तो मेरे लिए फेवरेबल चीज है. प्रॉफिट को लेके थोड़ी, असेट मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, लायबिलिटी मेरे से लेता है. नीचे लिखो, बोल. देख, अगर फिनेंशियल असेट तेरे पास है ना, फिनेंशियल असेट, तो तू जब इसको एक्सचेंज करेगा ना तो बदले में या तो तेरे को असेट मिलेगा या लायबिलिटी गिरेगा. लेकिन अगर तेरे पास फिनेंशियल लायबिलिटी है, इसको तू एक्सचेंज करेगा ना तो या तो तेरा फिनेंशियल असेट गिरेगा या दूसरा कोई फिनेंशियल लायबिलिटी बढ़ेगा. तो वही, अगर ऐसा होता है तो वो अनफेवरेबल है और वैसा हुआ तो फेवरेबल है. लिखो सी की डी. सी, ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स द एंटिटी टू इश्यू. हम फिनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन बोल रहे हैं, हाँ, कि ये फिनेंशियल लायबिलिटी इज ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स अस टू इश्यू डैश. ये डैश को आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, डैश. इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है. डैश नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स. इसको यहां से स्टार्ट करोगे, ए फिनेंशियल लायबिलिटी इज ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. ए फिनेंशियल लायबिलिटी ऊपर से ले लिए, इज ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स अस टू इश्यू. हाँ, वेरी, तो सेंटेंस पूरा सुनो, पहले से फिक्स्ड बोल दोगे, वेरिएबल नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स. क्योंकि वेरिएबल नंबर अगर इश्यू होगा तभी वो लायबिलिटी कहलाएगी, नहीं तो दैट ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड इक्विटी ट्रांजैक्शन. और इक्विटी ट्रांजैक्शन का इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग क्या है मालूम, अभी से सुन लो, 15 नंबर पैरा में लिखाएंगे. जितना में लिख दिए बस लिख दिए, वो कभी चेंज नहीं होगा, बस वो पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में. बस जिस दिन कैपिटल और प्रीमियम से एडजस्ट करना होगा, जिस दिन एक्चुअल में शेयर इशू किए या जिस दिन एक्चुअल में शेयर बायबैक किए, उस दिन वो कैपिटल और प्रीमियम को गिरा बढ़ा देगा. अगर हमने शेयर इशू किया नया तो ओन इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा ना बेटा, तो उस दिन कैपिटल और प्रीमियम को अकॉर्डिंगली बढ़ा देंगे. जिस दिन ओन इक्विटी शेयर को बायबैक कर लिए उस दिन कैपिटल और प्रीमियम को अकॉर्डिंगली गिरा देंगे, लेकिन उसमें फेयर वैल्यू चेंज का अकाउंटिंग करेंगे ही नहीं. कब? जब इक्विटी ट्रांजेक्शन. और इक्विटी ट्रांजेक्शन कब होता है? यहां बोलो, यहां बोलो, इसी एग्जाम्पल में बोलो, वेरिएबल वर्ड की जगह जब फिक्स नंबर वर्ड आ जाता है. तो ये बड़ा टेंशन देगा तुमको, एक दिन तक बर्दाश्त ही नहीं होगा, आदमी अचानक क्या बोल देता है, माने मेरे को लेके, क्योंकि वो फिक्स और वेरिएबल, फिक्स और वेरिएबल इतना बार ऐसा उल्टा पलटा होगा कि तुमको डर जैसा लगने लगेगा. फिर एक बार चीजें सेटल हो गई, हाँ हाँ तो ठीक ही तो है रे बाबा. सो दैट विल हैपन, हा, दैट विल हैपन, टेक केयर अबाउट दैट. इसीलिए मैं बार 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 तुमसे इन्वाइट कर रहा हूं, तुम बोलो तुमको क्या लगता है. ओके, नीचे लिखो डी. ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल्ड बाई, विच विल बी सेटल्ड अदर देन बाई which will be settled other than by issuing dash number of our own equity shares for dash amount of cash. सेंटेंस को पूरा पढ़ना, फिर वर्ड को पेस्ट करना, पूरा पढ़ो. ए, हाँ क्या लिखा,
फॉर डैश अमाउंट ऑफ कैश। एक्चुअली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीज ही बाद में होता है, रुपया का मिलना देना और ओन इक्विटी शेयर का आना जाना, दोनों बाद में होता है। नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में रुपया का लेना देना पहले हो जाता है, ओन इक्विटी शेयर का आना जाना बाद में होता है। आप समझ रहे हो, बिकॉज डेरिवेटिव में शुरू में तो कुछ देना ही नहीं पड़ता ना, फ्यूचर ऑप्शन स्वैप में शुरू में हम लोग को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है या वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट पे करना पड़ता है। डेरिवेटिव की मेन कैरेक्टरिस्टिक ही वही है जो आज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा बट कल की क्लास से बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा मैं। तो डेरिवेटिव में इनिशियली यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, तो बाद में आपको रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। नॉन डेरिवेटिव में इनिशियली यू पे समथिंग, दैट इज द डिफरेंस एंड दैट यू विल लर्न बाद में। टेल मी इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? ऐसे पढ़ना, ए फिनेंशियल लायबिलिटी इज ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल्ड अदर देन बाय इशूइंग फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। अदर देन बाय लिखे हैं, अदर देन बाय है ना, तो फिर अगर फिक्स्ड और फिक्स्ड दोनों फिक्स्ड है, मतलब कैश और शेयर दोनों फिक्स्ड है, तो वो इक्विटी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और इक्विटी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग तो अभी बताए थोड़ा देर पहले, उसको नोट में लिखा देंगे। क्लियर? स्ट्रांग एकदम। अब नीचे, अच्छा सुनिए, आप तो स्ट्रांग है, मैं कुछ बोलता हूं और आप ना इसको इंटर के नॉलेज से फिल इन द वो ब्लैंक्स टाइप का करिएगा। इंटर में नॉलेज दिए हैं, वर्ड से नहीं समझाए हैं, ठीक है? अब इस वर्ड से इंटर वाले नॉलेज को वो करना है, माने मैच कराना है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मैच होगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट वर्ड याद है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो मान लो मैंने पब्लिक से 100 करोड़ रुपया लिया, मैंने उनको बोला कि आज के 2 साल वो वारंट इशू किया उनको, आई गेव देम वारंट्स और मैंने उनको बोला आज के 2 साल बाद मैं तुमको 2 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ 70 ईच इशू करूंगा, 10+60, बाकी डिफरेंशियल अमाउंट तुमसे बाद में ले लूंगा। बोली नहीं है एफएल, हाँ नहीं, ये भी साला बड़ा खतरनाक है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है इक्विटी है कि नहीं, अब आप बोल रहे नहीं है एफएल, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये सब थिंकिंग से भी गड़बड़ा जाता चीज। आप एकदम करेक्ट बोले, क्यों ये फिनेंशियल लायबिलिटी नहीं है? क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट, दो सब कुछ फिक्स्ड है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और एक चीज याद रखो, वारंट एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्शन फ्यूचर वारंट, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन नाम सुना है? वारंट और ऑप्शन एक जैसा चीज होता है। ऑप्शन इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन शेयर होल्डर को देते हैं, वारंट नॉर्मल पब्लिक को देते हैं, दोनों डेफर्ड इक्विटी इश्यू है। अगर नंबर फिक्स्ड है और अमाउंट आने वाला फिक्स्ड है तो वो इक्विटी ट्रांजैक्शन बन जाता है। तो याद करो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट बैलेंस शीट में हम लोग कहां दिखाया करते थे? शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, याद है? तीनों एक साथ आता था क्योंकि वो फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास करता था। तो सर उस वक्त तो ऐसा भाषण नहीं हुआ था, आप थे क्या उस लायक उस वक्त ऐसा भाषण करने के लिए? नहीं थे, वो भाषण आज कर रहे हैं। और मैच किया कि नहीं ये देखिए, aren't we showing और were not we showing it in equity? Yes we were, because it was passing fixed to fixed test। ड्रॉप करूं, अब नीचे लिखो नया पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 12, 13।
क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, दो तरह की फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, एसी और एफवीटीपीएल। फाइनेंशियल लायबिलिटी में एफवीटी ओसीआई का कोई ब्रांच नहीं है। लिखो, फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। नीचे लिखो, ए एफवीटीपीएल, दो बी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। उसके ठीक नीचे में लिखोगे, पैरा चेंज नहीं करोगे, द अकाउंटिंग प्रोसेस is same as discussed in the above paragraphs। क्लियर है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? क्लियर है, थैंक यू। तो क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल असेट का अकाउंटिंग प्रोसेस में कितना टाइम दिए, ट्रेड डेट, ये डेट, वो डेट करके किस तरह से कहानी की है, एफईटीपीएल, एफईटी ओसीआई, एसी का अलग अलग स्टोरी को पूरा समझे, ठीक है। सम्स नहीं बनाए, सम खाली चार्ट एग्जाम्पल में ही दिए, बाकी बनाएंगे, आज टाइम है उसका। फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी अकाउंटिंग प्रोसेस डिट्टो डिट्टो सेम है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के केसेस में हम लोग अमोर्टाइजेशन टेबल पूरा बनाएंगे, क्लियर। हाँ, एक लाइन तुम्हें बोलना, देखो तो पल्ले पड़ाओ तो अंदर से घुसा के एकदम। मान लो मैं 10 लाख रुपए, जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को प्लस करते हो, नॉर्मली आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को प्लस करते हो, पर मैं आपने देखा मैं हमेशा प्लस माइनस वर्ड बोलता हूं ना प्लस माइनस वर्ड। अभी देखिए कैसे प्लस माइनस वर्ड का ही मजा देखिए। मान लीजिए मैं किसी से लोन लिए 10 लाख का, लोन लिए लायबिलिटी 10 लाख का, और मेरा इनिशियल प्रोसेसिंग फीस लगा 40,000 रुपया, तो लोन 9,60,000 मेरे घर में आएगा या लोन 10,40,000 आएगा? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुन लो, हम लोन लिए 10 लाख का, बैंक मेरे से 10 लाख पे इंटरेस्ट लेगा और मेरा प्रोसेसिंग चार्जेस लगा 40,000। बैंक लेता है ना प्रोसेसिंग चार्ज, तो मेरे घर में इनफ्लो कितना, 9,60,000 है ना, तो इनिशियली माय लोन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट 9,60,000 इफ आई एम रिकॉर्डिंग माय लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। बोलो हाँ। अब इसको उल्टा कर दो, से आई बाई एन असेट एट 10 लाख, आई पेड द ट्रांजेक्शन चार्जेज ऑफ 40,000। समझो बात को, मैंने 10 लाख का असेट खरीदा और मेरा 40,000 का ब्रोकरेज और दलाली लगा। हाउ मच इज माई इन्वेस्टमेंट इफ इट इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट, 10,40,000। तो ये प्लस और माइनस पे ध्यान देना, ये उल्टा पलटा हो जाने से झूठ मूठ का गलती हो जाता है। ओके, चल नीचे लिखो पैराग्राफ नंबर 14। में लिखो इक्विटी, डिफाइन करो इक्विटी को इंटरमीडिएट के नॉलेज से। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ दूसरा कंपनी नहीं, इक्विटी तेरा, योर ओन इक्विटी को डिफाइन करो, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड, इसका प्रॉपर वर्डिंग लिखो। लिखो एन इक्विटी
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन एंटिटी इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट entitles its holders to the residual interest in the आगे का वर्ड तुम बोलो. एक इक्विटी शेयर होल्डर का हमारी कंपनी में, हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है, हम ही जो हैं, बैलेंस शीट के हिसाब से रेसिड्यूअल इंटरेस्ट, बैलेंस शीट के हिसाब से बोलना है, किस चीज का रेसिड्यूअल इंटरेस्ट उसको मिलता है. सारा असेट बिक जाने के बाद, सारा लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाने के बाद, जो नेट असेट बचता है उसका रेसिड्यूअल इंटरेस्ट उनको मिलता है. ये इक्विटी का डेफिनेशन है. समझे क्या लिखा बोल? इन द नेट असेट ऑफ द एंटिटी. क्लियर? अब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू किया है पब्लिक को, मैंने, पेशेंस रखिएगा, ठीक है, आराम से सोच सोच के बोलिएगा, तुरंत एक सेकंड में जवाब नहीं देना. मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू किया है पब्लिक को, पब्लिक से मैंने 100 करोड़ रुपया लिया, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है. ऑब्लिगेशन है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है. आप मेरे से पूछिएगा सर फिर ऑब्लिगेशन कैसा है, मैं उसका जवाब थोड़ी देर के बाद में दूंगा, पहले आपसे इसका आंसर मांग रहा हूं. आई डोंट हैव एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश. बस इतने के बेस पे आप मुझे एक आंसर करके दो कि ये लायबिलिटी है या फिर इक्विटी है. ये जो 100 करोड़ रुपए मैंने उनसे लिया, अगर मेरा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है और मैंने पैसा तो लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश एंड आई डोंट हैव ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश. अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है तो इक्विटी होगा, बिकॉज लायबिलिटी दो ही तो आइटम है, या तो लायबिलिटी या इक्विटी. थैंक यू मैं आगे चलता हूं. मैंने एक बंदे से 100 करोड़ रुपया लिया, 100 करोड़ रुपया लिया और मैं उसको बोला कि मैं तुमको 2 साल बाद मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर दूंगा. हम पढ़ा चुके हैं, मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर दूंगा 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 80, दैट इज 100 करोड़ लिया था ना, कि 200 लिए थे ना उस बंदे से, तो हम 100 करोड़ रुपए लिए थे और हम उसको बोले थे कि 100 करोड़ बाई 80, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख शेयर मैं तुमको मेरी कंपनी का इश्यू करूंगा 10 रुपीज फेस वैल्यू, 70 प्रीमियम, 80 रुपीज करके मैं शेयर इश्यू करूंगा. मेरा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है, बस ये कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेटल्ड बाई इशूइंग माई ओन इक्विटी शेयर्स. इक्विटी फिक्स्ड टेस्ट पास कर रहा है सर. इक्विटी हो जाने से इतना, मतलब ऐसे कुछ अजीब सा फीलिंग आप लगता है आपको देख करके, कुछ अजीब सा फीलिंग आपके मन में आता है. अजीब सा फीलिंग नहीं है बेटा, फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग डिफिकल्ट है, इक्विटी की अकाउंटिंग बच्चा है. इक्विटी की अकाउंटिंग में कुछ नहीं करना, बस ले लिया पैसा रख लो बैलेंस शीट में, डू नथिंग. इसलिए चेहरे पे स्माइल आ जाता, ओ ये तो इक्विटी है, बच्चों के लिए आसान है.
ओ ये लाइबिलिटी है, चलो FVTPL, चलो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, नहीं समझे? फिर FVTPL तो हर बार फेयर वैल्यू रीमेजर करो, प्रॉफिट लॉस में डालो उसको, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट टेबल बनाओ, इक्विटी में कुछ मत करो, आ गया पैसा रख लो। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? इसलिए मेरे चेहरे पे वो डिफरेंस दिखाई देता है, अच्छा ये तो इक्विटी है, तो अजीब सा तुमको दिखाई देगा कि आदमी शांत हो गया थोड़ा सा, तो वो डिफरेंस है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, इक्विटी को अलग से डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है। फिनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन में ही इक्विटी का डेफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे कोई मेरे को बोलता है इक्विटी का डेफिनेशन दो, तो मैं बोलता हूं इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर आई एम नॉट हैविंग एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। इट्स अ लायबिलिटी वेयर आई एम एक्सचेंजिंग अनदर एफ ए ऑब्लिक एफ एल नॉट अंडर अनफेवरेबल टर्म्स, उसको साइड कर दो। इट्स ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल्ड बाई माई ओन इक्विटी शेयर एट अ फिक्स्ड नंबर। इट्स ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर माई ओन इक्विटी शेयर विल बी इश्यूड फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इन ए फिक्स्ड नंबर। तो पुरानी बातें तो रिपीट कर रहा हूं, अरे बाबा 25 बार तो बोल दिया यही वाली बातों को, दोबारा सेम बात को हम लिखाएंगे नहीं, लेकिन मेरी बुक में सेम बात लिखा हुआ है। पढ़ते वक्त आपको मैं दिखा दूंगा कि ये वहां पे लिखा हुआ है। ड्रॉप करूं? लिखो, क्या लिखा? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी, लिखो एन इक्विटी ट्रांजैक्शन इज वेरी इजी टू रिकॉर्ड, फुल स्टॉप। इट इज रिकॉर्डेड अंडर इक्विटी एंड नो फर्दर मूवमेंट इन इट्स बैलेंस। समझे मैं क्या बोला? अब तुम बोलोगे सर इट इज रिकॉर्डेड अंडर इक्विटी का मतलब क्या है? मतलब अगर मैंने पैसे लिए पब्लिक से तो बैंक टू इक्विटी, और अगर मैंने पैसे दिए पब्लिक को तो इक्विटी टू बैंक, इक्विटी टू बैंक, ये अकाउंटिंग है। और उस अमाउंट को फर्दर मेरा इक्विटी शेयर का दाम बढ़े गिरे कुछ भी हो हमें चेंज नहीं करना। जैसे मेरे उस वाले केस में मैंने एक आदमी से 100 करोड़ रुपया लिया था और बोला था ना मैं तेरे को 1,25,00,000 शेयर दे दूंगा 80 रुपया करके 2 साल बाद, यू रिमेंबर ना? तो मैं तो लिया ना उससे 100 करोड़ रुपया, तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? देखो बैंक अकाउंट डेबिट 100 करोड़ टू इक्विटी 100 करोड़, फिर 2 साल बाद में मारूंगा इक्विटी अकाउंट डेबिट 100 करोड़ टू कैपिटल 12.5 करोड़ टू सिक्योरिटी प्रीमियम 87.5 करोड़। देख मेरा बच्चा ऐसे मत कर, नहीं समझे? ये मेरी अकाउंटिंग होगी, नो चेंज। बीच में 2 साल मेरा शेयर का दाम चाहे कहीं से कहीं चला गया हो, कहीं से कहीं चला गया हो, भले ही शेयर का दाम, जब मैं तुमसे पैसा लिया था 100 करोड़ रुपया, तो हो सकता है उस शेयर का दाम उस वक्त 50 रुपया ही हो, तुमको 2 साल बाद मैंने 80 रुपये में देने का कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमको 2 साल के बाद मेरे शेयर 80 रुपये में इशू कर दूंगा। हेलो, तो मुझे कोई मूवमेंट की अकाउंटिंग नहीं करनी, बिकॉज 80 फिक्स्ड है, नंबर फिक्स्ड है, पैसा फिक्स्ड है, कुछ बदलने वाला नहीं है। डन बोल? अब इसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं बदलता हूं और लायबिलिटी बनाता हूं और तुझे परेशान करता हूं कि मैंने तेरे से 100 करोड़ रुपया लिया 1421 को, और मैंने तेरे को बोला ये कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेटल्ड बाय माय ओन इक्विटी शेयर इश्यू, लेकिन 31/3/23 को मेरा जो शेयर का मार्केट प्राइस होगा उस दिन, लिस्टेड मार्केट प्राइस ऑन द लास्ट डेट, उसे डिवाइड करूंगा और फिर नंबर ऑफ शेयर जितना निकलेगा वो इश्यू करूंगा। भाई 1,25,00,000 का आप गलतफहमी में मत रहना। अगर उस वक्त मेरे शेयर का दाम 500 रुपया रहा, 500 कितना 500 रुपया रहा, तो तेरे को सिर्फ 20,00,000 शेयर मिलेगा, भूल जाए 1,25,00,000, 20,00,000 शेयर मिलेगा ओनली। और अगर उस दिन मेरे शेयर का दाम 25
100 रहा, कितना 2500, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 2500, सिर्फ 4 लाख ना, 4 लाख शेयर मिलेगा, सिर्फ 4 लाख, 1 करोड़ 25 लाख भूल जा, जवाब दीजिए। ये इक्विटी नहीं है, ये लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट यूज होने का कोई चांस है? इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टाइप का कोई स्टोरी है? तो ये लायबिलिटी एफवीटीपीएल पे मेजर होगा, और अगर ये लायबिलिटी एफवीटीपीएल पे मेजर होगा तो हमको कॉन्ट्रैक्ट का फेयर वैल्यू हर बार निकाल के डिफरेंस को पीएल में डालते रहना पड़ेगा, जब तक अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हो जाता। बोलो। हाँ, मेरे शेयर के फेयर वैल्यू से निकलेगा वो तरह, वो बताएंगे आपको सब चीज, उसका स्टोरी अभी बाकी है। इसकी शुरुआत मैं दूसरे कंपनी के फेयर वैल्यू से करूंगा, फिर ओन इक्विटी में आऊंगा। क्लियर? लिखो। क्या लिखे लास्ट में? इन इट्स, हाँ, इवन अदर रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट are adjusted against equity. Even other related transaction costs are adjusted against equity. पीएल में इसका कोई गंध जाएगा नहीं। अब नीचे लिखो, ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। हाँ, ये कंप्लीट हुआ। अब आज का लास्ट पैराग्राफ, फिर सम्स, ठीक है? लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लिखा? सॉरी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंडिया में अलाउड है इश्यू करना, उसका एक डिफाइंड लाइफ है। बोलो हाँ या ना। इंडिया के लॉ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, उसका एक डिफाइंड लाइफ है, मैक्सिमम 20 साल, मैक्सिमम, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में 10 साल ही है, बट मैक्सिमम 20 साल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू होगा। डिविडेंड को लेकर क्या जानते हो? क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव इज अ डिफरेंट बॉल गेम। डिविडेंड के रेट फिक्स्ड होते हैं। क्यूमुलेटिव होने से क्या होता है कि लॉस होने से इस साल डिविडेंड हम नहीं देंगे, लेकिन जिस साल प्रॉफिट होगा अगले साल 2 साल का डिविडेंड दे देंगे। और नॉन क्यूमुलेटिव होने से डिविडेंड नहीं दे पाए तो डूब जाता है। यही तो स्टोरी है। बट क्या आप ये फील कर पाते हो कि प्रेफरेंस शेयर में और डिबेंचर में, लोन में बहुत कम फर्क है, और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी में बहुत कम सिमिलारिटी है? अगर कोई बोले कि इसको तुम किसके जैसा मानोगे, प्रेफरेंस शेयर को, डेट के जैसा या इक्विटी के जैसा, तो आंसर डेट के जैसा आता है। और इन डेज तो खुला चिल्ला के बोल दिया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नो इक्विटी, इट्स अ डेट, इट्स अ लायबिलिटी। लिखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी
एज अ लायबिलिटी फॉर एन एंटिटी एज देयर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश एज देयर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश फुल स्टॉप प्रेफरेंस डिविडेंड्स एंड रिडेम्पशन प्रोसीड्स आर बोथ contractual cash flows are both contractual cash flows full stop बस एक बार इतना ही अपने comfortable है अभी तक में हाँ sum करने के लिए ready है सुनिए एक बार जितने पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़े ना खाली उसका मेन मेन जो लाइन है हेडलाइन जिसको हेडिंग जिसको बोलते हैं वो जरा बोलो तो मेरे को 10-13-14 पैराग्राफ हो गए 15 हो गए बोलो पहला पैराग्राफ क्या था हाँ 109-32 और 107 ठीक है उसको लेके अलग से आज तो सम नहीं बनेंगे ओके एक के लिए असेट दूसरे के लिए या तो लायबिलिटी या इक्विटी नेक्स्ट फिर फाइनेंशियल असेट का वो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट फिर उसका क्लासिफिकेशन 3 तरह का क्लासिफिकेशन हाँ फिर वो सीसीएफसीटी और बिजनेस मॉडल टेस्ट अच्छा सीसीएफसीटी के बारे में मेरे को एक लाइन बोलनी है बोलते ना कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो इंस्ट्रूमेंट को देना पड़ेगा तभी वो इंस्ट्रूमेंट सीसीएफसी टेस्ट पास कर रहा है अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की जब बात आती है तो आपको देख के लगना चाहिए आप जब सम पढ़ेंगे तो आपको लगना चाहिए कि भाई मुझे जो पैसा मिल रहा है मैंने इस इंस्ट्रूमेंट में लगाया 100 करोड़ रुपया अब मुझे जो पैसा मिल रहा है दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का प्रोसीड्स हम जो पैसा दिए वो वापस मिल रहा है और हमको पैसा का ब्याज मिल रहा है माने व्हाट आई एम गेटिंग इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी व्हाट आई एम गेटिंग इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर किसी को हमने पैसा दिया 100 करोड़ और वो हमको पेमेंट करेगा बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन द बिजनेस हाँ बोलो बोलो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन द बिजनेस तो फिर हम ये नहीं बोल पाएंगे कि आई एम गेटिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो मींस द पेमेंट दैट आई एम गेटिंग इज सोलली वर्ड याद आ रहा है सोलली द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हम ना कई बार शॉर्ट में बोलेंगे एसपीपीआई सीसीएफसीटी सीसीएफसीटी बोलता है The payment that I get is solely the payment of principal and interest on the outstanding balance. ये वर्ड लिखाया हुआ देखिएगा पूरा solely the payment of principal and interest ऐसे लिखाया हुआ है ना उसको SPPI बोल करके लिख दीजिए क्योंकि आपको ये SPPI वर्ड ना जब आप बुक रीडिंग करेंगे कहीं क्वेश्चन रीडिंग करेंगे तो कई बार आएगा हाँ और क्या पढ़े थे बेटा अच्छा हाँ
अच्छा, डेट इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी को दो अलग अलग करके पढ़ा दिए थे एक साथ, माने बुक वगैरह में एक ही साथ लिखा हुआ रहता है, बट अच्छा है दो दो बार करके पढ़ लिए। तो डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि आपको तीन क्लासिफिकेशन करने मिलेंगे, यू कैन हैव योर डेट इंस्ट्रूमेंट एमोटाइज्ड कॉस्ट, आपका वो एफवीटी ओसीआई भी हो सकता है और वो एफवीटी पीएल भी हो सकता है। लेकिन वही अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक एफवीटी पीएल वाला और एक एफवीटी ओसीआई वाला, क्योंकि वो अमोटाइज्ड कॉस्ट तो कभी बन ही नहीं सकता। ये सब रिविजन हो रहा है, बस सम करने के पहले की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट, हाँ वो हो गया, अभी दो ही हो सकता है और दूसरा वाला भी रिवोकेबल इलेक्शन की वजह से ही होगा। और दूसरे वाले के बारे में मैंने तुमको आज बोला कि इसमें जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा ओसीआई के अंदर, माल बेचने के बाद भी पीएल में नहीं भेज पाओगे, बोथ रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड गेन विल गो टू ओसीआई, आई मीन विल नॉट गो टू पीएनएल। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर एफवीटी पीएल एसेट, अच्छा वो सारा, बापरे जो मेन लड़ाई इतना बड़ा, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का फलाना होगा, नहीं वो पूरा प्रोसेस, इसका तो सम भी एग्जाम्पल भी दिए थे आप लोगों को, आपने पढ़ा है एग्जाम्पल, पेन पेपर पे बनाया कि खाली रीडिंग कर लिए, रीडिंग कर लिया करो, क्योंकि पेन पेपर पे बनाने का बहुत समय मेरे पास जो मैं बनवाऊंगा तुम्हारे साथ, एग्जाम्पल के फॉर्म में जो चीजें रीडिंग कर लिया, अगर खुद को ही लगे ना बहुत टाइम है तो फिर पेन पेपर पे बनाओ। आगे, हाँ वो अलग अलग करके पढ़ाए, एफवीटी पीएल, एफवीटी ओसीआई, अमोटाइज्ड कॉस्ट का अलग अलग अकाउंटिंग का प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद तो आज कहानी बनी है, उसके बाद की सारी स्टोरी आज बनी है, डेजिग्नेटेड एफवीटी पीएल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, एफवीटी ओसीआई का वो स्पेशल रूल है ना। तो ठीक है, अब सुनो, हम लोग ना फिट हैं टू सॉल्व सम प्रैक्टिकल सम्स फॉर फोर मार्क्स ईच, फोर मार्क्स ईच, ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के नहीं है, चार दो तीन एक इतना ही मैक्सिमम। ओके, बुक खोलिए, पहला सम्स का वो निकालिए, पेज नंबर, हाँ बेटा 48 के हाँ 48 में ही है, मेरे बुक में पेज नंबर 48 में ही है। अच्छा एक लाइन मैं आपको बोल दूं, हाँ उसके बाद अपने लोग ना सम्स करेंगे, खाली एक लाइन सुन लो, और करीब करीब 20 सम कर लेने के बाद हम लोग का वो लाइन एक पैराग्राफ बन के हमारे डिस्कशन में एजेंडा में आएगा। आज तक इंस्टीट्यूट की तरफ से सबसे ज्यादा सम इस एक पैराग्राफ से आया है जो मैं अभी बोल रहा हूं, 20 सम करने के बाद लिखा करके पढ़ाना कराना है मेरे को, ठीक है। द नॉलेज इज ऑन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यू हैड हर्ड व्हाट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यू हैड हर्ड व्हाट इज लायबिलिटी, लेकिन अगर मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करूं, तुम्ही को दूंगा, तुम मेरे इन्वेस्टर हो, मैं इश्यूअर हूं, उसमें लायबिलिटी कंपोनेंट भी है और इक्विटी कंपोनेंट भी है, जैसे कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसमें मैं इंटरेस्ट भी पेमेंट करूंगा, क्या बोला, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऑप्शनली नहीं है, अभी ऑप्शनली वाला एग्जांपल बाद में लाऊंगा क्योंकि अभी तुरंत बोल के बस खत्म करना है एक लाइन में। कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, तुमसे 100 करोड़ रुपया लिए, तुमसे 100 करोड़ रुपया लिए, बोलो हां, तुमको अगले 3 साल तक इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा साल का 8 करोड़ रुपया, साल का 8 करोड़ रुपया, सब कुछ फिक्स है, कुछ भी हिला हुआ नहीं है, साल का 8 करोड़ रुपया फिक्स्ड पेमेंट करूंगा अगले 3 साल तक, और कैश में कुछ भी पेमेंट नहीं होगा, और लास्ट में 3 साल खत्म होते ही तुमको मेरी कंपनी के 1 करोड़ इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा,
कोई प्राइसिंग प्राइसिंग बोला हुआ नहीं है, 1 करोड़ शेयर हम तुमको इश्यू कर देंगे मेरी अपनी कंपनी का, कन्वर्टिबल डिबेंचर है ना, बोलिए। ये इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी और लायबिलिटी दोनों का गुण है, दोनों का गुण है, क्योंकि मेरे को लास्ट में फिक्स नंबर ऑफ माय ओन इक्विटी शेयर भी देना है, बोलो हां, और मेरे को रुपया भी देना है, और वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है। ये भी नहीं कि प्रॉफिट होगा तो तुमको ये डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं है। और किसी चीज के साथ लिंक भी किया बने कि इक्विटी को अगर 100 रुपया दिए तो तेरे को 8 रुपया देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, फिक्स 8 रुपया दे रहे ना। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, इसको बोला जाता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो गुण है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, ये जो कैश पेमेंट हम जितना फ्यूचर में करने वाले होते हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है यूजिंग द नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मान लो मार्केट में इस तरह की चीजें 12% ब्याज पे बिकती हैं, तो ये जो 8 करोड़ रुपया जो हम अगले 3 साल तक आपको देंगे ना, इसको 12% इंटरेस्ट के हिसाब से पीवी निकाल लिया जाता है। मैं कर रहा हूं, आप मत करो। 19 करोड़ रुपीज आया, 19.2 टू बी प्रिसाइज। हेलो, ये क्या चीज का आया प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर पेमेंट का पीवी, लीज लाइबिलिटी में फ्यूचर पेमेंट का पीवी, पूरा जिंदगी में फ्यूचर पेमेंट का पीवी फाइनल में आने के बाद यही चल रहा लगातार, इवन डीकमिशनिंग लाइबिलिटी में भी फ्यूचर पेमेंट का पीवी। तो फ्यूचर पेमेंट का पीवी निकालने से मेरा 19.2 करोड़ आया। तो इसमें यह थॉट प्रोसेस है बेटा कि जो 100 करोड़ रुपया हम आपसे लिए ना, उसमें से 19 करोड़ रुपया हम आपको चुका देंगे, और वो 3 बार में चुकाएंगे 8 8 8 करोड़ रुपया करके। बोलो हां, 19 करोड़ रुपीज हम चुका देंगे 3 बार में 8 8 करोड़ रुपया करके, तो इंटरेस्ट 5 करोड़ रुपया का बाकी, 19 में बाकी 5 करोड़ रुपया इंटरेस्ट मिला करके 8 करोड़ करके 24 करोड़ रुपया चुका देंगे, नहीं समझे? और बाकी जो 81 करोड़ हम आपसे लिए ना, वो हम आपको चुकाएंगे नहीं, उसके बदले हम आपको शेयर इश्यू करेंगे। तो ये 81 करोड़ रुपया हो गया इक्विटी कंपोनेंट, और 19 करोड़ रुपया हो गया लायबिलिटी कंपोनेंट। आया समझ में? इसका पढ़ाई अभी बाकी है, ये जो ब्यूटीफुल लेक्चर जब अनफोल्ड होगा, ये आज की क्लास में नहीं होगा, ये अगले क्लास में होगा, जिसका नाम ही CFI है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर हम लोग डेरिवेटिव पढ़ के, फिर जब एम्बेडेड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तब आप समझना कि हम रियल में घुस गए उस जगह से, अब जहां से बाहर वापस आ नहीं सकते, अंदर घुस के जाना पड़ेगा, भले कत्ल हो जाए, ठीक है? सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, भय नहीं करने का, दोनों कंपोनेंट को डिवाइड करने का रूल सीख लो, फिर समझ लो कि दो इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ है, लायबिलिटी और इक्विटी बोथ, लायबिलिटी को लायबिलिटी में घुसेड़ दो, इक्विटी इक्विटी में पड़ा रहेगा, लायबिलिटी को FVTPL और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में डिसाइड कर लो कि क्या बनना है, इक्विटी में तो कुछ करना नहीं है। यू गॉट द मैसेज क्लियर? ये चीज हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके? पेज नंबर 48 का सम्स बनाना है, चलो। एकदम पेशेंस के साथ पढ़िएगा, अगर आपको लगता है कि इस पे हम लोग पूरा राइटअप भी करना है तो हम राइटअप करा देंगे, और अगर आपको लगता है दो दो लाइन लिखा करके चलते हैं सर, तो वैसे कर लेंगे, आराम से पढ़िए।
बड़ा ही नॉर्मल डेटर के साथ किया हुआ रिलेशनशिप है कि नहीं बताइए, ऐसा ही होता है कि नहीं नॉर्मल बिजनेस में डेटर्स के साथ, मुझे बताइए। अगर मैंने डेटर को 1,00,000 रुपया का माल बेचा है, मान लो हम लोग का बिजनेस है, हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे, हम मैं और तुम एक ही है, एक साइड में ही है, ठीक है, हम लोग का बिजनेस है, हम लोगों ने किसी को 1,00,000 रुपया का माल बेचा, उधार में माल बेचा, तभी तो वो डेटर बना। और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर आप 45 डेज का क्रेडिट दिए, अगर आप 45 डेज के अंदर अंदर पैसा देते तो उसे 12 दिन में पैसा दे देते हो, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे 2% पर एनम का। जैसे मान लो 12 दिन में दे दिए तो 33 दिन पहले दे दिए ना, तो 1,02% × 33/365, हेलो, उतना हम आपको पेमेंट कर देंगे, माने उतना आपसे कम पैसा ले लेंगे। और अगर आप ज्यादा दिन झुला के पैसा दिए तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे 10% पर एनम का। ऐसा ही तो नॉर्मल होता है। हमको डेटर्स को मार्केट में नहीं बेचना, हमको तुम्ही से पैसा लेना है। डेटर्स मार्केट में भी बिकता है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटाइजेशन। अगर फ्यूचर में आने वाले मेरे रिसीवेबल्स जो आज खड़े हो चुके हैं स्टैंड है बैलेंस शीट में, माने माई रिसीवेबल्स, अगर मेरे को जल्दी रियलाइज करना है तो आई कैन गेट देम सोल्ड इन द मार्केट एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। There are investors who are ready to buy those type of assets. नहीं समझे? और legally allowed भी हो गया ये चीज इंडिया में, बैंकें करने भी लग गई हैं। बैंक ज्यादातर अपने जो कमजोर फाइनेंशियल असेट होते हैं ना, थोड़े डूबने डूबने टाइप के, उनको बेचती भी हैं। तो पूछ रहा evaluate this financial instrument. तो आपको इसमें दो चीज जज करना है, वन whether it is a financial asset or not, whether it is a financial asset or not, और दूसरा मेरे को contractual cash flow ही तुमसे लेना है, debtor से लेना है, या मैं sell करके भी पैसा realize करूंगा। अगर मेरे को contractual cash flow ही तुमसे लेना है तब तो amortized cost पे record होगा, और अगर मैं दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं तो FVTOCI बन जाएगा। अगर सेल करके मेरे को पैसा लेना, इधर डेटर आया इधर बिक्री, डेटर आया बिक्री, तो फिर वो FVTPL बन जाएगा। तो यहां तक की एनालिसिस आप बैठ के करिए। तो पहले तो मुझे बताइए, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है? इज देयर ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश ऑफ ₹1,00,000? समझे मेरा एग्जाम्पल वाला 1,00,000? इफ इट इज यस, तो इट इज ए फाइनेंशियल असेट, फुल स्टॉप। टू, क्या जो कैश फ्लो हम लेंगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है? समझ रहे हो, CCFCT पास कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। और टू, क्या मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हम इसको मैच्योरिटी तक रखते हैं, 45 दिन तक हम रखते हैं? इसका तो मैच्योरिटी 45 दिन में आएगा ना रे बाबा। क्या इस असेट को 45 डेज हम अपनी बैलेंस शीट में रखेंगे? अरे वो पहले पैसा दे देगा तो ऑब्वियसली हट जाएगा, पर अदरवाइज मैं सेल करने वाला हूं या नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं, इसका मतलब ये दोनों टेस्ट पास भी कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इट्स ए फिनेंशियल असेट विच शुड बी मेजर्ड एट अमोटाइज। तो आप क्या बोले? AC बोले, मेरे को लगा HTC। HTC एक फोन आता था, लिखो। एक बार ना पूरा लिखाता हूं, एक बार पूरा लिखाता हूं, उसके बाद अपन शॉर्ट में लिख लेंगे। लिखो ए लिमिटेड, ये फैक्ट ऑफ द केस है, सेल्स गुड्स टू इट्स कस्टमर ऑन ए क्रेडिट ऑफ 45 डेज। फुल स्टॉप। डेटर्स आर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 2% पर एनम इफ दे पे बिफोर 45 डेज।
फुल स्टॉप. हाउ एवर इफ द पेमेंट इज मेड आफ्टर 45 डेज then an interest of 10% per annum is charged on debtors. Full stop. This is ये जो system है, this is normal इन द बिजनेस. यही होता है हर बिजनेस में, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. हा पैरा चेंज. ए लिमिटेड हैज ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश against the asset that is debtors. From the debtors भी बोल सकते थे, easy होता, but against an asset that is debtors कोई wrong नहीं है. Therefore debtor is a financial asset. सिर्फ तीन asset financial नहीं होता रे, fixed asset, stock और prepaid expense या एडवांस पेड टू सप्लायर्स भी नहीं होता फाइनेंशियल असेट. क्यों? एडवांस पेड टू सप्लायर के बदले में हमें गुड्स मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा. प्रीपेड एक्सपेंस के बदले में हमें सर्विस मिलेगी, कैश नहीं मिलेगा. स्टॉक रियल असेट है, बेचेंगे तब जाके फाइनेंशियल असेट बनेगा. और फिक्स्ड असेट तो फिक्स्ड असेट हम यूज करने के लिए रखे हैं. इन चार असेट को आप बोल सकते हो दे आर नॉन फिनेंशियल असेट. और लाइबिलिटी में खाली एक ही फिनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, एक ही लाइबिलिटी एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स. क्योंकि अगर कस्टमर से मैंने एडवांस लिया है तो या तो मैं उनको सर्विस दूंगा या मैं उनको सामान दूंगा. चलेगा बात? थोड़ा इजी करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोलो. सो डेटर इज अ फाइनेंशियल असेट. ये एक कंक्लूजन कंप्लीट कि ये फाइनेंशियल असेट तो है. अब इसके क्लासिफिकेशन को लेके, बिकॉज उन्होंने बोला इवैल्यूएट, तो हम लोग पूरा इवैल्यूएट करके सब कुछ सामने में रख देंगे. लिखो डेटर्स इज एन असेट whose terms and conditions give rise to contractual cash flows and A Limited is having a business model the objective of which will be achieved achieved by collecting the contractual cash flows full stop. Therefore debtor will be
measured at amortized cost. बस सो कहानी डेटर एक फाइनेंशियल असेट था या नहीं, आंसर यस आया. कहानी नंबर टू, एफईटी ओसीआई या एफईटी पीएल में घुसेगा या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रहेगा, आंसर इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रहेगा. अच्छा इसमें ना अमोर्टाइज्ड कॉस्ट उसका इनवॉइस अमाउंट ही रहता है. क्या बोला फिर से, इसमें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट उसका इनवॉइस अमाउंट ही रहता है, इसमें अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन डेटर में भी अमोर्टाइजेशन टेबल बन जाता है अगर पीरियड एक साल से ज्यादा रहेगा, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट का लेक्चर रहेगा. इन डेज 115 में हम पढ़ाएंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, अभी से बोल दे रहे हैं. मान लीजिए डेटर को मैंने बोला 3 साल बाद पैसा दे देना, पर उस वक्त 1,40,000 देना, आज दे रहे हो तो 1,00,000 दे दो इनकम. बोलो आज, हाँ आ जाएगा ना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. बोली हाँ, आज देना है तो 1,00,000 दे दो, 3 साल बाद देना है तो 1,40,000 दे देना. वो 1,40,000 में माल लेके गया, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की स्टोरी बन जाएगी या नहीं बनेगी, बोलिए. डेटर्स टू सेल्स 1,00,000 लिखना पड़ेगा, डेटर्स टू सेल्स 1,40,000 नहीं लिख सकते, 1,00,000 लिखना होगा. फिर डेटर को हर बार बढ़ाना होगा इंटरेस्ट से, डेटर टू इंटरेस्ट, डेटर टू इंटरेस्ट, डेटर टू इंटरेस्ट. किस रेट से बढ़ाएंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ट्रायल एंड एरर करके निकालेंगे, बोलो जल्दी हाँ. और फिर 3 साल बाद वो 1,40,000 हो जाएगा तो पेमेंट ले लेंगे. तो पूरा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का टेबल बन के पूरा सम बना ना. लेकिन अगर 1 साल से छोटी अवधि का टाइम रहता है तो उसमें इंटरेस्ट का फैक्टर इनसिग्निफिकेंट हो जाता है. इनसिग्निफिकेंट हो जाने से इंटरेस्ट की अकाउंटिंग डेटर्स के केसेस में की नहीं जाती. ये इन डेज 115 का स्टोरी है. बट इन ऑल द केसेस डेटर्स आर मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, क्लियर. बट डेटर्स कैन बी मेजर्ड एट एफईटीपीएल ऑल्सो. सर फालतू बात नहीं, सच्चा बात. सर कब, जब माई ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मॉडल इज, हाँ इज सैटिस्फाइड व्हेन आई सेल दी डेटर्स. मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लेना ही नहीं तुमसे, लेना ही नहीं. तुम उसको दो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जिससे हम अभी रुपया कबाड़ ले रहे हैं. सर आप किससे रुपया ले रहे हैं, हम किसी इन्वेस्टर से ले रहे हैं जो मेरे डेटर को खरीदने के लिए तैयार है, मेरे को तुरंत रुपया चाहिए. यही मेरा बिजनेस मॉडल है, क्रेडिट में सेल करो, डेटर को तुरंत बेच दो, वहां से पैसा ले लो, फिर माल बनाओ. इधर डेटर वो पैसा डायरेक्टली उस, रुको ना रुको, डेटर वो पैसा डायरेक्टली उस आदमी को दे देगा. मैं एग्जाम्पल देके बताऊं कि समझ में आया, आया ना. तो इन दैट केस माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज फ्रॉम यू. देयर इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो बट आई एम नॉट गोइंग टू कलेक्ट इट. हम तो अगला दिन अगला घंटा में बेचते हैं, रहता आवरली कॉन्ट्रैक्ट है मेरा. तो इधर डेटर पैदा हुआ, उधर पैसा घुस गया मेरे अंदर. डेटर को 8 महीना बाद पैसा देना है, डेटर विल गिव यू, गिव मी मनी 8 मंथ्स बैक, आई गॉट माई मनी टूडे. 10,00,000 की जगह ठीक है मेरे को 9,45,000 मिला. हम तुमको 10,00,000 में माल बेचे क्योंकि तुमको क्रेडिट में ही माल बेचना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है. पर उधर तुरंत उस डेटर को हमने किसी और को बेच दिया, फैक्टरिंग बोलते हैं इसको, तुरंत हम किसी और को बेच दिए, नहीं समझे. तो इस केस में मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे डेटर को मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा. एफईटीपीएल हो, एफईटी ओसीआई हो, जैसे भी हो, एफईटीपीएल दिख, मेरे एग्जांपल में एफईटीपीएल की तरह साउंड हो रहा है ये, समझे ना ये बात. गुड, ब्रेक चाहिए या और सम्स बना ले, ब्रेक चाहिए. अच्छा एग्जांपल वाला, हाँ हाँ लिख लो ना इसको, तो स्टार करके लिख लो और बॉक्स में बंद कर लो क्योंकि ये उस तरह का पॉइंट नहीं है ना. ऐसे करके लिख लो, बॉक्स में रहेगा, सेपरेट रहेगा हमेशा.
आते हैं और सम्स बनाते हैं फिर आकर के, ठीक है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें ना। बोलिए। ठीक से बोलो, ठीक से देखो पढ़। डीलर्स की बुक्स का ही बात हो रहा है अभी डीलर्स की बुक्स का ही बात हो रहा है जिन्होंने पैसा दिया। आप ऐसे पकड़ लो ना, आपने मुझे पैसा दिया है, आप मेरे कस्टमर हैं, आप मेरे से पानी का बोतल खरीदते हैं, ठीक है, इसके लिए आपने मुझे डिपॉजिट दिया है। एक्चुअली बड़े बड़े कंटेनर में जाता है तो ये वाला माल, तो आपने मुझे डिपॉजिट दिया है 10,000 रुपया का, हम आपको 8% करके इंटरेस्ट देते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो। अगर आप ब्रोकन कंडीशन में माल दे कंटेनर वापस करते हैं तो हम आपसे थोड़ा सा पेनल्टी चार्ज करते हैं, अदरवाइज हम आपको पूरा पैसा लौटा देते हैं। डू यू हैव ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश? जल्दी बोलिए यस और नो। सो देर इज ए फाइनेंशियल असेट, देर इज नो डाउट अबाउट दैट, करेक्ट। आगे बोलिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, सीसीएफसी टेस्ट पास कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट पास कर रहा है। और तुम्हारा क्या मन है, तुम बीच में बेच करके इसको रियलाइज करना करने वाले इस तरह कोई सीन है, या लास्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा तभी तुमको पैसा वापस लेना है? लास्ट में ही है तो बिजनेस मॉडल टेस्ट भी पास कर रहा है। आगे, इट इज ए फाइनेंशियल असेट विच विल बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। लिखो अब इसको शॉर्ट शॉर्ट में। लिखो, देर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश देर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश and therefore this deposit, asset ka naam deposit, asset ka naam deposit, therefore this deposit of rupees 10,000 is a financial asset. ye pehla line ho gaya। अब दूसरा उसका क्लासिफिकेशन को लेके, क्योंकि साफ उन्होंने लिखा है हाउ शुड सच डिपॉजिट्स बी ट्रीटेड, माने खाली फाइनेंशियल असेट बोल के खत्म नहीं कर देना है, आगे की बात भी लिख देनी चाहिए। लिखो, द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज आर सोलली the payment of
प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है। हाँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर है तो फिर आप उसको नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ही पेमेंट है। आएगा जो पैसा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ही पैसा आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही आएगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स से एडजस्ट किया हुआ हो सकता है, पर आपके परफॉर्मेंस से आपकी प्रॉफिट के साथ अटैच्ड नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से एडजस्ट माने कनेक्टेड रहता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड बिकते हैं मार्केट में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो नॉर्मल है। लेकिन बोलेंगे प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं। इक्विटी को डिविडेंड देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं। दैट मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं है। बोलो। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस मॉडल is to hold the asset the objective of the business model is to hold the asset to collect contractual cash flows full stop therefore This deposit is a financial asset to be measured at Bolo. Amortized cost. Number three. कल तो भैया पीवी सिंधु ने बवाल कर दिया, नहीं हार गई सेमीफाइनल वाला मैच, लेकिन थर्ड राउंड थर्ड वाला जो मैच था ब्रॉन्ज मेडल के लिए, अच्छा से जीती वो। इट्स गुड। सोचो मीराबाई चानू भी लेडी, पीवी सिंधु भी फीमेल, और लोवलिना बोरगोइन भी फीमेल। पिछला बार भी हम लोग जो दो ब्रॉन्ज मेडल जीते, माने एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर, पीवी सिंधु और वो साक्षी मलिक फीमेल। गजब कर दिया, नहीं रियल एम्पावरमेंट दिख रहा है, मतलब इज विजिबल। हम लोग इज्जत दें नहीं दें वो हमारा अपना गलती है, लेकिन इट इज विजिबल नाउ। चेंज हो जाएगा बहुत कुछ हिंदुस्तान में अगले 10 सालों में, हमको लगता है। सीरियसली थिंग्स आर चेंजिंग। हमारे गांव में हम अपने फैमिलीज की बात, हमारे गांव में बच्चियां बाहर पढ़ने जाती नहीं थी। मतलब मेरी सिस्टर्स लोग बाहर पढ़ने का सवाल ही नहीं, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब की बच्ची बाहर पढ़ी, मेरे दोनों बहनों की बच्चियां बाहर रह के पढ़ी, बहन की बच्चियां तो सब बाहर ही हैं, एक तो नीदरलैंड में सेटल्ड है। चीज बदल गया 20 साल में। हाँ 20 साल में मारवाड़ियों के घरों में भी चीजें बदल गई, और आने वाले 20 साल तो डिफरेंट ही रहेंगे। मतलब लड़के ब्याह ब्याह के लड़कियों के घर जाएंगे, ये मैं बता दे रहा हूं, आने वाले 20 सालों में ये हो जाएगा। बवाल चेंज हो गया बहुत। इट इज फॉर गुड। दे आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व्ड सिंस लॉन्ग। दिस इज राइटफुल। आज ही पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन वाई लड़कियों का सरनेम चेंज होगा? नहीं क्यों, रीना चौधरी रीना अग्रवाल, मैं अपनी वाइफ की बात बोल रहा हूं,
वाई नॉट सुदर्शन रीना अग्रवाल, वाई नॉट रीना सुदर्शन, मतलब हाँ ये सब बदलेगा, लेकिन और बदलना चालू भी होगा बहुत जगहों पे, गुड। हाँ हाँ आजकल चीजें बदल रही हैं एंड दिस इज फॉर गुड। भले सुनने से लगे यार नाम का ही तो बात है, अरे नाम में बहुत कुछ है बाबा, नाम से ही तो तुम्हारी पहचान है। हाँ इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो बच्चा नाम से ही आता नहीं। यस यस, तेरे को वहीं पे रहना है, ससुराल से एडजस्ट करके रहना है, बट छोड़ छाड़ के घर आओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये चेंज हो गया, पूरा चेंज हो जाए, पूरा गांव गांव शहर शहर चेंज हो जाए। यस गांव गांव, इसीलिए तो मैंने बोला गांव गांव शहर शहर चेंज हो जाए, तो इस चेंज का मायना है। एंड दिस कैन ओनली बी डन बाई एडुकेशन एंड बाई अ वेरी पावरफुल लीडर। टॉप में एक पावरफुल लीडर का होना बहुत जरूरी है, जिसको वो हाँ जिसको वुमन एम्पावरमेंट से सच में मोहब्बत हो, जिसके लिए वुमन एम्पावरमेंट एक वर्ड नहीं हो कि मेरे को इलेक्शन जीतने का ये एक वर्ड है, रियल में वो चीज हो। क्योंकि मैंने सुना साला उस बच्ची को, मीराबाई चानू को यूएस भेजा गया एफर्ट डाल के कि आप वहां कोचिंग करेंगे, उसके पीछे पैसा खर्चा किया गया, पीवी सिंधु के लिए कोरियन कोच दिलवाया गया। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, इसके पहले बट तू सकती है तो सको, नहीं तो घर में बैठ जाओ। अभी ये सब चीजें कि हम पैसा देने के लिए पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, ये तो कंट्री का डेडिकेशन है ना यार। और ये चीज बदलेगी कब और ज्यादा कब होगी, स्पोर्ट्स को लेकर बोल रहा हूं अभी मैं, अगर क्लास 3-4 में आप टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे, मेरा दो चीज मेरा हमेशा बहुत दिन से बोलता हूं, 3-4 से बच्चे को मालूम रहेगा हम स्पोर्ट्समैन बन रहे हैं, वहीं से नर्चर किया जाएगा। जो स्कूल में खाली एक तो होता है ना आज स्पोर्ट्स डे है, वो स्पोर्ट्स डे नहीं होगा, वो नाम का नहीं होगा, उसमें टैलेंट आइडेंटिफाइड होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट में जाएगा, उस तरह से उसका पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और 200 मार्क्स या 100 मार्क्स का एक स्पोर्ट्स का पेपर होगा, जिसमें वो जो बच्चा टॉपर आता है ना, या जो बच्ची टॉपर आती है 8 सब्जेक्ट में 800 नंबर ला के या 790 नंबर ला के, और जो बच्चा स्पोर्ट्समैन होता है वो 720 लाता है, वो 100 मार्क के पेपर में 100 ला के उस टॉपर बच्चा बच्ची को पीछे फेंक देगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, वहां मार्क्स होना पड़ेगा ताकि वो बच्चा जो टॉपर आता है वो भी स्पोर्ट्स खेलेगा, उसको खाली पढ़ाई करके हमको आगे जाना नहीं, तुमको स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा, माने उससे तुम्हारा मार्क्स, नहीं तो हम लोग के यहां पे कल्चर नहीं आएगा। तो ये दो चीजें करनी बहुत जरूरी है, देखो बदल तो रही है चीजें, नहीं तो कब हम लोग सोचते थे, हिसाब में ही नहीं रहता था ओलंपिक्स में। मैं तो शुरू से देख रहा हूं, जब से छोटा था तब से देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की 4 पढ़ो। क्रेडिटर के बारे में बात है, वेरी सिमिलर टू एक नंबर वाला सम है ना, तो डायरेक्ट आंसर लिख दे, बोलो। क्रेडिटर इज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी विच विल सब्सिक्वेंटली बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज, हाँ FVTPL ना, अमोर्टाइज कॉस्ट। क्रेडिटर इज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी विच विल सब्सिक्वेंटली बी मेजर्ड या विच विल बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। मैं पहले भी बोला, मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, ब्रेक के पहले बोला था कि ये सब का अमोर्टाइज कॉस्ट उसके इनवॉइस अमाउंट ही होते हैं। क्रेडिटर डेटर का अमोर्टाइज कॉस्ट उसके इनवॉइस अमाउंट को ही माना जाता है। इसमें जब तक साल भर से ज्यादा का क्रेडिट पीरियड नहीं होता
तब तक इंटरेस्ट को सिग्निफिकेंट माना नहीं जाता और इंटरेस्ट की अकाउंटिंग नहीं होती, समझे, और इनवॉइस अमाउंट को ही कॉस्ट मान के सम में आगे बढ़ा जाता है। तीन चार नंबर मत पढ़ना अभी, क्योंकि इसमें ऑप्शंस की बातें आएंगी, तो एक बार डेरिवेटिव वाला क्लास हो जाने दो, तब चार नंबर करेंगे। पांच नंबर, आज डेट क्या है? मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मेरे पास नहीं है बोलने को, कुछ हिसाब नहीं है रे बाबा। 100 क्लास लगनी चाहिए सब मिला जुला करके, थोड़ा कम ही लगेगा उससे। अच्छा ऐसे पकड़ो तो उसी हिसाब से, अभी लाइव कहाँ हो रहा है दूसरा, वही तो बोल रहा हूँ, तो पेन ड्राइव से करना तो कभी भी ले लो, है ना। चलो क्वेश्चन देखो, बोलिए। टारगेट लिमिटेड की बुक्स की बात हो रही है, हाँ लोन है, बोरोइंग है, 10 लाख रुपए का लोन लिया है टारगेट लिमिटेड ने, और ये चुकाएगा सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के बाद, ईयर नहीं बताया कितना साल के बाद, पर जब भी चुकाएगा 10 लाख विल बी डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑन दैट फ्यूचर वाला डेट, जिस दिन सेटलमेंट है। तो बोलिए, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, तो इट इज नॉट एन इक्विटी ट्रांजैक्शन, इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। लिखो फिर मेजरमेंट कैसे होगा उसका बात भी कर लेते हैं। लिखे द लोन टेकन बाई टारगेट लिमिटेड, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, बड़ा में लिखाने का एक एग्जाम्पल लिखा दिया। हेलो, बाकी सब आप अकॉर्डिंगली लिखोगे। क्या लिखा? टारगेट लिमिटेड विल बी सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स will be settled by issue of variable number of equity shares and therefore it is a financial liability variable number of its own equity share likhna beta ha। नीचे में ये वाला चीज लिखो, तो इस तरह का चीज लिखा हुआ ना दिमाग में इंपैक्ट क्रिएट करता है, इसलिए लिखा रहे हैं।
बोलिए किस चीज की वजह से ये वेरिएबल बन गया, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन द सेटलमेंट डेट। यही अगर कोई सा भी एक अमाउंट दे देता ना इसकी जगह पे तो फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर बन जाता, फुल स्टॉप। दिस फाइनेंशियल लायबिलिटी वर्ड आ गया था क्या? दिस इज नॉट एन इक्विटी ट्रांजैक्शन। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके लिखना, देर आर नो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज विच आर SPPI इस एग्रीमेंट में हमें, हम लोग जो लोन लिए हैं टारगेट लिमिटेड, हमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो करना नहीं है, विच आर सोलली द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है। एंड देयरफॉर दिस फाइनेंशियल लायबिलिटी should be measured at FVTPL. next, कौन सा वाला? अच्छा, पढ़ भी लिए क्या आप लोग? सिक्स नंबर, गुड। क्यों इक्विटी बोले आप? 8% तो है, तो नहीं, 8% वेरिएबल कहाँ हुआ? फिक्स तो हुआ 8%। आपका आंसर करेक्ट, वो कुछ और बोल रहा ना, उसके वर्ड को चेंज कर रहा हूं। क्या वेरिएबल है? कहाँ वेरिएबल, 8% ही तो है। क्या वेरिएबल दिखा तुमको? हाँ, ये बोल। तो इसमें वेरिएबल वर्ड कहां से आया? फिक्स्ड और वेरिएबल वर्ड कहां से आया? वर्ड ठीक कर, बोल। हाँ, डिस्क्रिशनरी है, ऑप्शनल है। अगर डिस्क्रिशनरी है तो फिर वो कहां कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है? आपके हाथ में डिस्क्रिशन थोड़ी होना चाहिए। देयर शुड बी अ लायबिलिटी टू पे, देयर शुड नॉट बी अ डिस्क्रिशन टू पे। लिखो। इरिडीमेबल भी है, लिखो। माने पूरा इक्विटी है इसमें, कोई पार्ट पार्ट वाला भी स्टोरी नहीं है। लिखो। द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इरिडीमेबल ये पहला प्रूफ हो गया कि ये इक्विटी है। इरिडीमेबल को अंडरलाइन कर दो। एंड द डिविडेंड ऑफ 8% इज पेएबल ओनली व्हेन इक्विटी डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड।
सो डिविडेंड इवन इज डिस्क्रिशनरी। अनुपम नीचे आओ ना एक बार। सो डिविडेंड इवन इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। फुल स्टॉप। सो द एंटायर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is an equity instrument. तो क्या करेंगे थे जो 100 रुपया लिए? कैपिटल बना देंगे, कुछ करना नहीं है, बैंक टू कैपिटल रहेगा। टू प्रीमियम भी कर दीजिएगा, 7। एसी बंद करो ना, सारा सारा बंद करो। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हाँ, वहां लिख लो, वहां लिख लो ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है ना। एनालाइज फ्रॉम बीस पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम्पल करके छोड़ दिया ना, तो तुमको दोनों का मन करेगा ना बात करने का यार। डिटेल उतना नहीं मिला हुआ है। बोलिए, पूरा इक्विटी है, लिख लो। The entire CCPS is an equity instrument for the following reasons. नीचे लिखो 1, पहला रीजन है, there are no contractual cash flows. There are no contractual cash flows. B, second reason, dividends are discretionary. See, it is a non-derivative contract. which will be settled by issue of fixed number of
ओन इक्विटी शेयर्स ऑफ बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़ोगे? एट मत पढ़ना, एट डेरिवेटिव्स के ऊपर है तो मैं डेरिवेटिव वाली क्लास ले लूंगा, उसके बाद वाले दिन तुरंत ही कर लेना उसी दिन. हाँ, नाइन. नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? नहीं, जिसने इश्यू किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. बोलिए. पूरा डेट है ना, एंटायर सब कुछ पूरा डेट है ना. लिख लो, द इंस्ट्रूमेंट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. For the following reasons, नीचे लिखो. A, it requires contractual cash outflows. So there is a contractual obligation to pay cash. फुल स्टॉप. इट शुड बी मेजर्ड, पैरा चेंज करके, एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एज बोथ दी हालांकि बिजनेस मॉडल के ऊपर उतना फोकस नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुझे इवैल्यूएट में खाली इक्विटी और लायबिलिटी इवैल्यूएट करना था, लेकिन मैं दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूं क्योंकि इस तरह में लोग रखते हैं लास्ट तक, लायबिलिटी लास्ट तक रहती है. क्या लिखा? एज बोथ दी सीसीएफसी टेस्ट एंड बीएम टेस्ट आर सैटिस्फाइड. टेन या छोड़ दो, टेन जो है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मेरे को कल करा लेने दो, कल पहला लेक्चर उसी का ही कराएंगे, तब टेन का आंसर आप करोगे. हाँ, आज की क्लास इतना पे खत्म हो रही है, थोड़ा सा नॉर्मली 15 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, आज नहीं ले रहा हूं क्योंकि दूसरी वाली क्लास जो है जल्दी है. कल सुबह मिलते हैं 7:30 पे आइए. हाँ, नहीं नहीं वो लेट का कहानी एक ही है, वो मैं जानता हूं कि लेट का स्टोरी एक ही है. वो क्या है बोलो तो? जितना देरी से हो सके उतना देरी से निकलें. अरे नहीं नहीं मैं बता, क्योंकि मैं हमेशा होता आया हूं ना, मतलब जब जब ऐसा लगेगा ना कि बस इससे देर करने से देर हो जाएगी,
आज तो हम भी देर से उठे, नहीं तो अनुपम क्लास खत्म हो गया। हाँ आज तो मैं भी 6 बजे